हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के मध्यकर्मी बल्लेबाज मनीष पांडे के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मनीष पांडे के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि मनीष पांडे का फुल नेम है मनीष पांडे। उनका जन्म 10 दिसंबर 1989 को नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। 2021 के अनुसार वो फिलहाल 32 ईयर्स के हैं। यदि बात करें उनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे का राशि चक्र चिन्ह है कन्या राशि। दोस्तों, यदि बात करें उनके होम टाउन की, तो उनका होम टाउन है नैनीताल उत्तराखंड। यदि बात करें मनीष पांडे के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे की हाइट है लगभग 173 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 8 इंच। यदि बात करें उनके आई कलर की, तो उनका आई कलर है ब्लैक। यदि बात करें उनके हेयर कलर की, तो उनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, अब बात करते हैं मनीष पांडे के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि मनीष पांडे ने अपने स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय AAC केंद्र बेंगलुरु से कंप्लीट की। वहीं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटका से कंप्लीट की। यदि बात करें उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की, तो उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। दोस्तों, मनीष पांडे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और उनकी हॉबीज है म्यूजिक सुनना और एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना। दोस्तों, अब बात करते हैं मनीष पांडे के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि मनीष पांडे के फादर का नाम GS पांडे है, जो भारतीय सेना अधिकारी थे। यदि बात करें उनके मदर के बारे में, तो आपको बता दें कि उनकी माता का नाम तारा पांडे है, जो कि होम मेकर है। यदि बात करें उनके बहन के बारे में, तो उनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है अनीता पांडे। यदि बात करें उनके वाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि उनकी वाइफ का नाम है आश्रिता शेट्टी, जो कि प्रोफेशन से मॉडल और एक एक्ट्रेस है। दोस्तों, अब बात करते हैं मनीष पांडे के फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो आपको बता दें कि मनीष पांडे के फेवरेट क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ और AB डिविलियर्स। यदि बात करें उनके फेवरेट बॉलर की, तो उनके फेवरेट बॉलर हैं मॉर्नी मॉर्कल। दोस्तों, यदि बात करें मनीष पांडे के फेवरेट फूड के बारे में, तो आपको बता दें कि उनके फेवरेट फूड है चिकन बिरयानी और पानी पूरी। उनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। उनके फेवरेट एक्ट्रेस है प्रिया मणि। दोस्तों, यदि बात करें मनीष पांडे के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत ODI से की। ODI में उन्होंने 14 जुलाई 2015 को हरारे जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। वहीं उन्होंने अपना T20 डेब्यू 17 जुलाई 2015 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही किया। यदि बात करें उनके IPL डेब्यू की, तो उन्होंने 29 अप्रैल 2008 को दिल्ली के अगेंस्ट अपना IPL डेब्यू किया। दोस्तों, यदि बात करें मनीष पांडे के जर्सी नंबर के बारे में, तो वह जब इंडिया के लिए खेलते हैं, तो उनका जर्सी नंबर है नंबर 9। यदि बात करें उनके IPL जर्सी नंबर की, तो उनका IPL जर्सी नंबर है 51। दोस्तों, यदि बात करें मनीष पांडे के डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के बारे में, तो वह कर्नाटका के लिए खेलते हैं और IPL में फिलहाल वह सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा है। यदि बात करें मनीष पांडे के कोच के बारे में, तो आपको बता दें कि उनके कोच है जे अरुण कुमार। यदि बात करें उनके बैटिंग स्टाइल की, तो उनका बैटिंग स्टाइल है राइट हैंडेड बैट्समैन। यदि बात करें उनके फेवरेट शॉट की, तो उनका फेवरेट शॉट है हाफ स्वीप। यदि बात करें मनीष पांडे के क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो आपको बता दें कि IPL में शतक बनाने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2009 के IPL के सेमीफाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 73 गेंदों में 114 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं उन्होंने 2009-10 में रणजी ट्रॉफी में 882 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर भी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं मनीष पांडे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको भी पता नहीं होगा। दोस्तों, मनीष पांडे अपने पिता की तरह वह भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। जब वह 15 वर्ष के थे, तो वह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु चले गए। उनके पिता, जो भारतीय सेना में थे, कुछ साल बाद राजस्थान स्थानांतरित हो गए। हालांकि मनीष ने बेंगलुरु में से वापस नहीं आने का और क्रिकेट के करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने राज्य स्तर के टूर्नामेंट में मैसूर के लिए खेलकर अपने क्रिकेट की शुरुआत की। 2008 में मलेशिया के अंडर 19 विश्व कप के लिए भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुने जाने पर उनके क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत हुई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भी। दोस्तों, और भी कुछ इनके रिकॉर्ड्स की बात करें या इनके फेवरेट थिंग्स की बात करें, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे राहुल द्रविड़ को अपना रोल मॉडल मानते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में पांडे ने कहा कि वह द्रविड़ से प्रेरित है और उन्हें अपना प्रेरणा मानते हैं। दोस्तों, यदि बात करें मनीष पांडे के 2021 के अनुसार नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे का नेटवर्थ है लगभग 7.5 मिलियन US डॉलर। यदि बात करें इनके कार्स कलेक्शंस के बारे में, तो आपको बता दें कि मनीष पांडे कार्स के बहुत शौकीन हैं और इनके पास एक मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत है करीब 2 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, यह थी मनीष पांडे के बारे में शॉर्ट वीडियो, उनकी बायोग्राफी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।